कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क CDN क्या होता है समझ लेते हैं बहुत सिंपल तरीके इस छोटी से वीडियो में। कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क CDN भी जिसे कहते हैं, एक डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क है जो कंटेंट जैसे कि वेब पेजेस, इमेजेस, वीडियोस और दूसरे जो स्टैटिक और डायनेमिक कंटेंट है उनको यूजर्स तक फास्ट और एफिशिएंट तरीके से डिलीवर करता है। ओके, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क एक डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क है जो कंटेंट को यूजर्स तक फास्ट और एफिशिएंट तरीके से डिलीवर करता है। CDN मल्टीपल ज्योग्राफिकली डिस्ट्रीब्यूटेड सर्वर्स का इस्तेमाल करता है जो कंटेंट को कैश करते हैं और यूजर्स के ज्योग्राफिक लोकेशंस के नजदीक सर्वर्स पर स्टोर करते हैं। इससे कंटेंट को यूजर्स को लोकल सर्वर से डिलीवर किया जाता है जिससे लेटेंसी कम होती है और कंटेंट डिलीवरी की स्पीड बढ़ती है। कुछ मुख्य फीचर्स और बेनिफिट्स ऑफ कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क अगर मैं आपको बताऊं तो वो है, सबसे पहला फास्टर कंटेंट डिलीवरी। CDN यूजर्स को कंटेंट को लोकल सर्वर से डिलीवर करके फास्टर लोडिंग टाइम्स प्रोवाइड करता है जिससे यूजर एक्सपीरियंस इंप्रूव होता है और बाउंस रेट्स कम होते हैं। दूसरा, इंप्रूव परफॉर्मेंस। CDN रिड्यूस करता है सर्वर लोड और नेटवर्क कंजेशन को जिससे ओरिजिन सर्वर्स और नेटवर्क्स की परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है। तीसरा, स्केलेबिलिटी। CDN स्केलेबल होता है और सडन ट्रैफिक स्पाइक्स को हैंडल करने में मदद करता है। इसमें कंटेंट को मल्टीपल सर्वर्स पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है जिससे सर्वर्स को लोड डिस्ट्रीब्यूट करने में हेल्प मिलती है। चौथा है रिडंडेंसी एंड रिलायबिलिटी। CDN रिडंडेंसी प्रोवाइड करता है, मतलब कि अगर किसी सर्वर पर फेलियर होता है तो कंटेंट दूसरे अवेलेबल सर्वर से डिलीवर किया जाता है जिससे रिलायबिलिटी और अप टाइम मेंटेन होती है। पांचवा है सिक्योरिटी। CDN सिक्योरिटी फीचर्स प्रोवाइड करता है जैसे कि DDoS प्रोटेक्शन, SSL TLS एनक्रिप्शन और वेब एप्लीकेशन फायरवॉल जिससे कंटेंट और यूजर्स को प्रोटेक्ट किया जा सकता है साइबर अटैक्स से। छठवा है एनालिटिक्स एंड इनसाइट्स। CDN एनालिटिक्स प्रोवाइड करता है जिससे एडमिनिस्ट्रेटर्स को कंटेंट डिलीवरी परफॉर्मेंस और यूजेज पैटर्न्स का इनसाइट मिलता है जिससे वो अपने कंटेंट डिलीवरी स्ट्रेटजीज ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। ओवरऑल CDN एक पावरफुल टूल है कंटेंट डिलीवरी को ऑप्टिमाइज करने और यूजर एक्सपीरियंस को एनहांस करने के लिए। इसका इस्तेमाल वेबसाइट्स, मोबाइल एप्लीकेशंस, स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स में वाइड स्प्रेड है। उम्मीद है आपको समझ में आया जो भी कहा मैंने वीडियो में। अगर कोई भी क्वेरी है उसके बावजूद आपके मन में तो कमेंट सेक्शन में बेझिझक लिख दीजिए, पूरी मदद करेंगे आपकी। और जी हाँ, जिस किसी ने भी बेल आइकन प्रेस नहीं किया है सब्सक्राइब करने के बाद प्लीज कर लीजिए, क्योंकि बेल आइकन प्रेस करने पर ही आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती हैं। इस चैनल पर ऐसे वीडियोस देखने के लिए सपोर्ट करें, इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।